ये मेरी चाप रेडी है। हेलो गाइस, वेलकम टू कुकीज किचन। आज हम बनाएंगे मलाई चाप की रेसिपी। तो ये हमने ये चाप ले ली है, हमने 8 पीस चाप के ले लिए हैं। गाइस, हमें पहले मलाई चाप के लिए दही को हंग कर लेना होगा। उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है, उसके ऊपर मैं ऐसा कोई भी जालीदार कपड़ा ले लूँगी और इसके अंदर मैं दही को डाल दूंगी। जितना भी मुझे दही लगेगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 कटोरी मुझे दही लगेगा, तो मैंने ये डाल दिया है। और अब मैं इसको ऐसे चारों कोनों से पकड़ के और इसको ऐसे हंग कर दूंगी। और इसको कम से कम हम 1.5 घंटे के लिए ऐसे ही टांग देंगे, जिससे हमारे पास नीचे से गाढ़ा गाढ़ा दही रह जाए और दही में से सारा पानी निकल जाए। तो अब हम इसको कम से कम 1/2 आवर से लेके 45 मिनट्स के लिए टांग देंगे। अब हमने दही को 30 से 45 मिनट्स के लिए हंग कर दिया है। हंग आप किसी पे भी, कहीं से कोई कोने में टूटी हो या कहीं पे भी कुछ टंगाने की जगह हो, उसको गांठ बांध के उसको मत टंगा दे, और 40 से 45 मिनट्स के लिए उसको टंगा रहने दे, उसको छेड़े ना, और उसमें से नीचे पानी सा निकलता रहेगा उसको निकलने दे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हमने यहाँ जो 8 पीस चाप के लिए हैं, इसको हम एक बाउल में डाल के और इसको उबाल लेंगे। इसमें 1 ग्लास के अराउंड पानी डाल के हमने ये 8 पीस चाप ले लिए। हम इसमें इतना पानी डाल देंगे कि चाप मेरी भीग जाए अंदर। तो अभी इसमें 1/2 ग्लास पानी और डलेगा। तो इसमें मैंने ये 1/2 ग्लास पानी और डाल दिया। अब ये चाप पूरी भीग चुकी है, अब मैं इसको उबालने के लिए रख दूंगी। तो मैंने अब इसको गैस पे रख दिया है और अब मैं गैस को ऑन कर दूंगी और अब मैं इसको एक बॉयल आने तक के लिए वेट करूंगी। उसके बाद हम इसको ढक के छोड़ देंगे, जिससे चाप थोड़ी सी बॉईल हो जाएगी तो हमें बाद में ज़्यादा इसको पकाना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसको भी बॉईल पे रख देंगे, एक जैसी बॉईल आएगा, एक छोटा सा बॉईल, और फिर हम इसको बंद करके इसको ढक के रख देंगे। तो अब गाइस, जैसा आप देख सकते हैं, बॉईल आ चुका है, एक क्विक बॉईल आ चुका है। मैं इसको वापस ढक के ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, जब तक पानी इसका ठंडा नहीं हो जाता। तो अभी हमने चाप को नॉर्मली उबलने के लिए छोड़ दिया है। अब हम इतने दही की मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम बाद में चाप को काट के डालेंगे। तो इसके लिए हमने ले लिया कसूरी मेथी, 1 से 1/2 चम्मच कसूरी मेथी, 1 से 1/2 चम्मच कसूरी मेथी, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और मिर्च भी डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी हम डालेंगे। और ये हमने ले लिया है अदरक का टुकड़ा, ये 8 से 10 लहसुन के कलियाँ होंगी जो मैंने छील ली हैं, और ये 4 से 5 हरी मिर्च हैं। मैं इनको कूट के फिर दही में डालूंगी। आप चाहें तो इसको मिक्सी में पीस के भी डाल सकते हैं, मैं इसको कूट के डालूंगी। यहाँ पे मैंने अमचूर ले लिया है, अगर आपके पास नींबू हो तो नींबू डालें, मेरे पास फिलहाल नींबू नहीं है तो मैं थोड़ा सा अमचूर डालूंगी खट्टेपन के लिए। और ये हल्की सी बूरा ले ली है मैंने, जो थोड़ा सा तीखा मीठा सा टेस्ट दे, इसलिए अगर आपको थोड़ा सा मीठा टेस्ट नहीं पसंद हो तो ना डालें। अब मैंने ये 4 से 5 हरी मिर्ची जो मैंने ली है इसको डाल ली, अदरक को डाल लिया और लहसुन को डाल लिया। अब मैं इसको अच्छे से कूट लूँगी, जिससे बिल्कुल ये बारीक हो जाए और दही में जब हम डालेंगे तो अच्छा मुँह में एक फ्लेवर आएगा और चापी इस फ्लेवर को पकड़ लेगी। तो अब मैं इसको कूट लूँगी। अगर आप इसको हाथ से नहीं कूटना चाहते तो आप इसको मिक्सी में भी चला सकते हैं, पर कोशिश करें कि बिल्कुल बारीक हो जाए, नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा और मुँह में अलग से आएगी। अब आप लोग जैसा देख सकते हैं, ये बिल्कुल अदरक लहसुन एकदम बारीक पीस बारीक हो चुके हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल एकदम बारीक हो गए हैं, कहीं पे भी अदरक एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। तो बिल्कुल आपको अगर ऐसा ही करना है, अगर आप हाथ से कूट रहे हैं, नहीं तो आप मिक्सी में कर लीजिए, नहीं तो आपके पास इसका अगर पेस्ट हो तो आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, जो मेरी चाप बॉईल हो गई थी, अब मैंने उसको छान के उसका पानी ड्रेन आउट कर दिया और जितना एक्स्ट्रा कलर था मेरी चाप पे वो भी सारा निकल गया है। और अब हमने इसको इसकी ऐसे यहाँ जो अंदर स्टिक्स हैं इसको पकड़ के ऐसे खींच के इसको निकाल देना है, और ऐसे ही हमें सारी चाप के साथ करना है। तो मैंने अब सारी चापों को अलग कर लिया उनकी डंडियों से, अब हम इसको काट लेंगे। चाहे तो आप इसको ऐसे सिंपल राउंड राउंड भी काट सकते हैं, जिससे ऐसी कुछ शेप आएगी जैसे आप देख सकते हैं, या फिर अगर जैसे बाइट्स लेने के लिए रोटी के हिसाब से थोड़ी छोटी चाहिए हो तो इसको सेंटर में से भी कट कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में से कट करके बनाऊंगी, क्योंकि ईजिली च्यूएबल रहती है और रोटी के अंदर एक बाइट लेने में आसानी रहती है। तो ऐसे ही करके हम सारी चाप को
बीच में से स्लिट कर लेंगे और ऐसी करके सारी चाप को हम तैयार कर लेंगे। तो अब हम दूसरी चाप को भी कर लेते हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे इसको बीच में से ऐसे पकड़ के अच्छे से स्लिट करके और फिर इसको ऐसे भी काट सकते हैं। ऐसे हमारे को थोड़ा आसान पड़ेगा, आपको जैसे इजी लगे आप वैसे करके इसको काट सकते हैं। अब ऐसी करके मैं अपनी सारी चाप को काट लूँगी। देख सकते हैं मैंने चाप काट ली है सारी जितनी भी मेरे पास थी और इसको ऐसे मैंने स्लिट करके काटा है। अब आप देख सकते हैं मेरा दही हंग हो गया है, तो अब मैं इसको बाउल में खाली कर लूँगी। देख सकते हैं आप पहले से मेरा दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। अगर आप चाहें तो और भी गाढ़ा कर सकते हैं और थोड़ी देर लटका के, बाकी वैसे ये हो गया है। तो अब ये मैंने हंकड़ निकाल लिया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी, 1 से 1.5 चम्मच कसूरी मेथी है। थोड़ी सी बूरा हम डाल रहे हैं जिससे टेस्ट बैलेंस अच्छे से हो जाए। अब हम इसमें मैं अमचूर डाल रही हूँ, मैंने आपको जैसे बताया, आप चाहें तो नींबू ही प्रेफर करें, मैं फिर भी इसमें थोड़ा सा अमचूर डाल रही हूँ खट्टापन के लिए। अब हम इसमें 1/2 चम्मच के आसपास काली मिर्च डाल देंगे थोड़ी सी। इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे, बहुत कम डालना है क्योंकि बाद में हम छोकते टाइम भी डालेंगे, तो अभी सिर्फ हल्के से बहुत टेस्ट के लिए। थोड़ी सी लाल मिर्च, लाल मिर्च सेम हम बाद में भी डालेंगे तो अभी थोड़ी डाल रहे हैं। और ये जो हमने ये जो कूटा था मिक्सचर, अब इसको डाल देंगे। मैं इसमें से MDH का थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच के आसपास मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। और अब इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स ना रह जाए। जैसे कि अब आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं मेरे इसमें सारे जो मैंने इस चाप को ऐसे इस पीसेस में कट किया था, अब ये सारी चाप मैं इसमें मिला दूंगी। और ये मैंने सारी चाप इसमें मिला ली है और इसको अच्छे से, चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, चाहे इसको स्पून की मदद से अच्छे से एक एक चाप के पीस पे अच्छे से कोट कर देना है। अगर हम इसको सर्कुलर भी काटते तो उसमें हमें और थोड़ा हाथ से लेके अच्छे से अंदर तक बाइंड करना पड़ता है। सिंस हमने इसको हाफ हाफ में काटा है, हाफ हाफ में स्लिप किया है, इसीलिए ये अब आराम से मिक्स हो जाएगी और हमें ज़्यादा अंदर तक उसको बाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसको कम से कम, अभी अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम इसको कम से कम हाफ एन आवर के लिए छोड़ देंगे ढक के, जिससे जो हमारी चाप है वो इसका फ्लेवर ले ले और एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। सो गाइज, जैसा आप देख सकते हैं इसको हाफ एन आवर से 45 मिनट्स हो गए हैं, एग्जैक्टली 45 मिनट्स हो गए हैं मुझे इसे छोड़े हुए ऐसे। तो हम इसको एक क्विक मिक्स देंगे, एक बार इसको अच्छे से हिला लेंगे और अब हम फाइनली इसको छोक देंगे। ये एक पहले हम एक अच्छा सा मिक्स दे रहे हैं दोबारे से, अब हम इसको छोकते हैं। चलिए, सो गाइज, मैंने अभी एक पैन ले लिया है, मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी तेल ले सकते हैं, रिफाइंड ले सकते हैं, घी ले सकते हैं। ये मैंने सरसों का तेल ले लिया, अब इसको थोड़ा सा हीट अप होने के लिए वेट करेंगे जब तक ये थोड़ा गर्म। अब ये तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें अनियन डाल रही हूँ। मैंने ये 2 प्याज ली हैं, आप चाहें तो एक बड़ी प्याज भी ले सकते हैं, मेरी प्याज छोटी थी तो ये मैंने 2 प्याज डाल ली है। अब इसको हल्का सा सौते कर देंगे। और आप ये ज़रूर देख लें कि हमने यहाँ पे प्याज जो है बड़ी बड़ी काटी है और चौकोर शेप में काटी है,
आपको भी वैसे ही काटनी है जिससे एक मुंह में फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा प्याज कच्ची हो जाए सिक जाए, प्याज अच्छे से जब भुन जाएगी तो ये हल्की सी ब्राउनिश हो जाएगी। अभी आप सुन सकते हैं फटफट की आवाज़ आ रही है, इसको थोड़ा पकने दे प्याज को ताकि इसका क्रिस्पीपन चला जाए थोड़ा सा, चिरचिराहटपन। आप इस टाइम गैस को फुल पे ही रखेंगे, फुल फ्लेम पे रहेगी इस टाइम पे गैस जब आपकी प्याज थोड़ी सी भून रही है। मुझे प्याज थोड़ी कच्ची रखना पसंद है जिससे एक अच्छा सा टेस्ट आता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं भूनूंगी। और इसमें मैं थोड़ी सी कैप्सिकम डाल दूँगी, ये एक कैप्सिकम है जो मैंने सेम प्याज की तरह बड़े बड़े पीसेस में काट ली है। और अब इसको भी कुक कर लेंगे। अभी शिमला मिर्च पकी नहीं है, थोड़ी सी और पक जाए फिर हम इसमें मसाला डालेंगे। तो हम मसाला डालते हैं, हमने पहले भी नमक डाला था तो उसके हिसाब से सोच समझ के नमक डाले स्वाद अनुसार। मैंने 1 से 1.5 चम्मच के आसपास डाला है। ये हल्की सी शुगर डाल रही हूँ मैं वापस, बूरा। ये इतनी मेरे पास काली मिर्च है, 1/2 चम्मच के आसपास ये डाल दिया मैंने। और चाट मसाला डालूंगी मैं MDH का, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे 1/4 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा। लाल मिर्च हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पहले हरी मिर्च डाल दी है और फिर हमने लाल मिर्च जब हमने दही की मैरिनेशन की थी तब डाल दी थी, इसलिए हम लाल मिर्च नहीं डाल रहे हैं। अब इसको अच्छे से एक मिक्स दे देंगे। आप देख सकते हैं मेरी प्याज भी भुन गई है, शिमला मिर्च भी भुन गया, थोड़ा सा मसाला मेरा भुन जाएगा फिर हम इसमें अपनी दही की मैरिनेशन डालेंगे। अब मैं इसमें अपनी दही की सारी मैरिनेशन डाल दूंगी। तो मैंने ये सारी मैरिनेशन डाल दी है मेरी, और अब इसको एक अच्छा सा बिल्कुल हल्के हाथ से नीचे से उठा उठा के इसको एक आराम से एक मिक्स दे देंगे। अब इसको ज़्यादा बिना टच किए अब इसको थोड़ी देर के लिए मंदी आंच पे छोड़ देंगे, सकते हैं मीडियम आंच पे छोड़ सकते हैं जिससे थोड़ी सी कुक हो जाएगी। तो गाइज़ ये इसमें एक बॉईल आ गया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है, ये थोड़ी सी कुक हो गई है सब्ज़ी। और अब आप देख सकते हैं इसे आप नान के साथ, तंदूरी नान के साथ, रुमाली रोटी के साथ खा के ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छी बनती है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें एक कलर आ रहा है। और अभी थोड़ी थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है पहले से। ये हल्की सी हमने ग्रेवी टाइप बनाई है क्योंकि इसे हम थोड़ा सा चपाती के साथ या फिर नान के साथ इसको खाएंगे, इसीलिए। अगर आप चाहें इसको तो ड्राई भी बना सकते हैं, उसके लिए फिर जो सिर्फ चाप चाप थी वो डलेगी और दही नहीं डलेगा। तो उसकी रेसिपी अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं उसकी रेसिपी भी डाल दूँगी। तो अब आप देख सकते हैं चाप बिल्कुल रेडी हो गई है और आप इसको ज़रूर एक बार टेस्ट कर लें सर्व करने से पहले कि कुछ मसाला वगैरह कम तो नहीं रह गया है, और फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये मेरी चाप रेडी है, अब मैं इसको गार्निश करने के लिए थोड़ा सा ऊपर से सूखा धनिया डाल दूँगी। अगर आपके पास फ्रेश लीव्स हो तो वो डालें ना, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और ये अब हमारी चाप रेडी है, अब इसको आप नान के साथ, रोटी के साथ या फिर रुमाली रोटी के साथ ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिए।